हमारे कौशल भाई थे बहुत। एक तो आजाद साहब जनाब अगर हाथ खड़ा करेंगे हम कहेंगे इनको आना पड़ेगा। इस वक्त हम लाइव हैं खाटी से, अभी आजाद साहब की स्पीच होने वाली है। फिलहाल जी एम सरोड़ी जो एक्समेल हैं वो स्पीच कर रहे हैं, अभी कुछ ही देर में आजाद साहब की स्पीच करेंगे। आप जुड़ रहे हैं द चुनाव टाइम्स के साथ और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रियासत जम्मू कश्मीर की जाए आप माने तो कौन आपको रुकावट कर सकता, और यहाँ का चीफ मिनिस्टर आप बन के रहेंगे या जम्मू कश्मीर के लोग चुनाव वैली का बच्चा बच्चा आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नारे दूंगा जो जनाब आजाद साहब, जनाब आजाद साहब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अभी इनकी स्पीच शुरू होने वाली है। जनाब आजाद साहब आजाद हमारी शान है, आजाद हमारी शान है, आजाद हमारी शान है, आजाद हमारी शान है, आजाद हमारी शान है। सुरुणी साहब, जुगल किशोर जी, विकास रसूल साहब, गुप्ता जी, जिला सदर, हमारे सभी डीसीसी और बीडीसी, डीडीसी और बीडीसी के सभी मेंबरान, चेयरमैन साहिबान, म्युनिसिपल कमेटी के सभी मेंबरान, मेरे सभी हिंदू मुस्लिम हमारे एसटी के भाई साहिबान और बहनों और नौजवान साथियों, बड़ी देर से आप यहां तकरीरें सुन रहे हैं। मुझे इस बात का एहसास खास तौर से जो इस ढलान में बैठे हैं बुजुर्ग और नौजवान, इन पर रहम भी आता है और उनकी हिम्मत की दाद भी देता हूं, और जब उठेंगे तो बड़े आहिस्ता से उठना क्योंकि घुटने आपके जम गए होंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तो गिर भी सकते हो, इसलिए सहारा लेकर उठना। मैं देख रहा था जब यहां तालियां बज रही थी, वो तालियां इसलिए नहीं बज रहे थे क्योंकि हाथों से जमीन पकड़ के बैठे हुए, और ताली अगर बजाते हैं तो नीचे पहुंच जाते हैं। तो ये आपका जज्बा है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, मशकूर हूं। और सरोड़ी साहब का एरिया इतना फैला हुआ है तो इन्होंने हर एरिया का ख्याल रखा, और कई लोगों को तो मैंने मना किया वो सरोड़ी साहब से नाराज नहीं हो जाए, मुझसे नाराज हो जाए, ये चाहते थे अभी 10-15 तकरीरें और हो जाए लीडरों की, तो मैंने कहा भाई हमारे वक्त में तो फिर कोई होगा नहीं, तो इसलिए मैंने कहा अभी बांटना है, दूसरी जगह भी घूमना है, वहां मीटिंगें कर। मैं सबसे ज्यादा मुबारक आज देता हूं दो हमारी बच्चियों को, और वो भी ट्राइब की बच्चियां। मैं बहुत अरसे फातिमा और अमीना इस तरह की बच्चियां हमारे एससी और एसटी में और आम पहाड़ी और देहाती इलाकों में पैदा हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि आने वाला जो वक्त है वो हमारा बहुत अच्छा होगा। हमारे मुल्क की 50% आबादी औरतों पर मुश्तमिल, लेकिन हम जब देखते हैं सरकार में उनकी नुमाइंदगी कम, दूसरी जगह उनकी नुमाइंदगी का कम, जब राजीव गांधी ने ये कानून लाया था 33% बाद में हम लोगों ने इसको यूपीए सरकार में 50% किया। उन दिनों में मैं महाराष्ट्र से एमपी हुआ,
और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन दिनों तो सभी कांग्रेसी होते थे वहां, बीडीसी और डीडीसी, वहां बीडीसी और डीडीसी पता नहीं उन्होंने यहां क्यों रखा, पूरे हिंदुस्तान को मैं, इसका नाम है जिला परिषद और ब्लॉक समिति। तो तकरीबन 99% सब कांग्रेसी होते थे, लेकिन जब इलेक्शन हुए तो जब हम मीटिंग बुलाते थे, उन 33% जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लोगों की, उसमें 33% मर्द भी साथ हुए। तो हमने कहा ये क्या है भाई, तो मालूम ये हुआ कि हर आदमी ने अपनी पत्नी को टिकट दिया, तो फिर उसका नाम रखा पति प्रधान, वो तो प्रधान हुआ और उसका पति पति प्रधान। ऑफिशियल नेम नहीं था, लेकिन मिनिस्टर से लेकर कलेक्टर से लेकर हर आदमी उसका कहता था पति प्रधान। तो मैं भी यहां देख रहा था, कुछ सालों से पति प्रधान थे, लेकिन अब रियल प्रधान आ गई है कि जो पति प्रधान नहीं है और बोल सकते हैं और तमाम लीडरों को मात कर सकते हैं, बेहतरीन स्पीचेस है। और मैं चाहूंगा कि आने वाले वक्त में इस तरह की और हमें बच्चियां मिले जो मुल्क की तामीर में हिस्सा ले सके। यहाँ बहुत सारी बातें की गई, मैं दोहराना नहीं चाहता। मुझे वापस कल भी जब मैं बहरहाल से आया तो रास्ते में 3-4 जगह मीटिंगें करनी थी, लेकिन बहरहाल से ही हम इतनी देर से निकले कि हम डोडा तकरीबन जहाँ 5 बजे पहुंचना था 9:15-9:30 बजे पहुंचे और रास्ते की तमाम मीटिंगें कैंसिल हो गई। अब आज हमने उनको बताया था हम पाटरी से 2 बजे निकले और सब करें, लेकिन अंदाजा जिस तरह से अगर ये खाना भी खिलाएंगे तो फिर पाटरी में रुकेंगे और रास्ते की वो मीटिंगें फिर कैंसिल हो जाएंगी। इसलिए मैं नहीं चाहता जैसे आप दूर दूर से आए हैं, वो भी असर बगैर वगैरह जो रास्ते में है, बहुत दूर दूर से आते हैं, चनैनी दूर दूर से आते हैं, कि उन्हें वापस आज भी निराश होकर जाना पड़े। मैं 2.5 साल के बाद आया, लोकसभा के 2019 में जो इलेक्शन आए थे हुए थे उसमें मैं तमाम चुनाव रैली में घूमा था, पूरी रियासत में भी घूमा था, लेकिन उसके चंद महीनों बाद ही, ये मेरे ख्याल में अप्रैल और मई का महीना था, उसके 2-3 महीने बाद ही 5 अगस्त 2019 को दफा 370 तोड़ के और स्टेट को भी तोड़ के इसके 2 हिस्से किए और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत, सबसे पुरानी रियासत जो 1846 में वजूद में आई, जिस वक्त हिंदुस्तान को आजादी मिली उस वक्त हमारी रियासत की उम्र 101 साल, और उस वक्त हमारे मुल्क में जिस वक्त मुल्क आजाद हुआ 663 स्टेटें, 563 रियासतें छोटी छोटी, तो सबसे बड़ी कौन रियासत थी, जम्मू कश्मीर। यही वजह है कि उन 563 रियासतों को जोड़कर सिर्फ 12 रियासतें बनाई, मतलब 40-40, 50-50 सूबों को, रियासतों को जोड़कर एक एक सूबा बना, इतनी छोटी छोटी रियासत। बाद में उन 12 में आहिस्ता आहिस्ता तोड़ के फिर 28-29 हो गए। गो हिंदुस्तान की तमाम भी रियासतें आज सिर्फ 75 साल की है और जम्मू कश्मीर 175 साल की, और ये भी शायद हिंदुस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि किसी स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया गया, वरना आज तक सभी रियासतें जो बनी है उनको यूटी से बनाया गया। ये देखने गया कि जो कॉलेज में पढ़ता था बच्चा, दूसरी जगह वो कॉलेज पढ़ने वाला यूनिवर्सिटी जाता है,
और जम्मू कश्मीर को बीजेपी की सरकार में कॉलेज वाले बच्चे को प्राइमरी स्कूल में डाल दिया। ये सिर्फ बीजेपी कर सकती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये शर्म की बात है। और जिस तरीके से किया, दुनिया को गुमराह किया, देश को गुमराह किया, गलत तरीके से जम्मू कश्मीर की तस्वीर को पेश किया गया, ये बताया गया कि यहां एससी को रिजर्वेशन नौकरी में नहीं मिलती, यहां एससी एसटी को रिजर्वेशन सरकार में नहीं मिलती, जो कि बिल्कुल गलत था, दोनों को मिलती। ये बताया गया कि एसटी को एससी को एमएलए में रिजर्वेशन नहीं मिलती, गलत बताया गया। ये बताया गया कि तालीम यहां मुफ्त नहीं है, बाकी हिंदुस्तान में तो 2011 में हमने कानून बनाया, छठी क्लास से 14वां क्लास तक, ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन। लेकिन जम्मू कश्मीर अकेली स्टेट थी पूरी हिंदुस्तान की, जहां 50s से पहली क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक एजुकेशन थी। ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियां इसलिए नहीं लगती है कि बाहर वाला जमीन खरीद नहीं सकता। जम्मू की कठुआ की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बिरला की 1963 में 1962 में लगी है, अगर जमीन नहीं खरीद सकता तो बिरला की सबसे स्टेट की सबसे बड़ी इंडस्ट्री सामा में कठुआ में 1962 में कैसे लग सकता। अगर जम्मू और कठुआ और सांबा में 13,000 इंडस्ट्रियां हैं, तो अगर बाहर वाला जमीन नहीं खरीद सकता तो ये 13,000 में 1,500-2,000 जम्मू कश्मीर के लोगों की होंगी और 10,000-11,000 बाहर के लोगों की है, तो वो 13,000 इंडस्ट्रियां कैसे बने। और अगर अब 2.5 साल से यूटी बनी है तो ये सरकार बता दे कि कौन सी एक इंडस्ट्री बनी है, बल्कि उन 13,000 में से 7,500 बंद हो गई इन 2.5 सालों। मेरे कहने का मतलब कि एक माहौल बनाया गया कि जैसे पिछली सरकारें जितनी भी हूं 1947 से, वो करप्ट हो, रिश्वतखोर है, उन्होंने कुछ किया नहीं भलाई के लिए लोगों के लिए, तो अब यूटी बन के ही ये दूध की नहरें चले। लेकिन मेरे ख्याल में ये भी अच्छा हुआ, बहुत सारे सियासी पार्टियों को मौका मिला था यहां सरकार चलाने का, कांग्रेस को मिला था, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला था, पीडीपी को मिला था, फिर मिलजुल के सरकारें चलाने का भी मिला था, एनसी और कांग्रेस, पीडीपी और कांग्रेस, सब पार्टीज को मौका नहीं मिला था, एक पार्टी को नहीं मिला था, बीजेपी को। तो वो हर इलेक्शन में कहते थे हम दूध की नहरें लाएंगे और यहां खुशहाली होगी, हर घर में रोजगार होगा, बेकारी खत्म होगी। ये भी अच्छा हुआ कि बीजेपी की सरकार बनी, तो अब लोगों के सोचने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए अब हमें कोई एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पैसा खर्चते हैं, पोस्टर बनाते हैं कि मैं ये करूंगा। अब मेरे ख्याल में इन 70 सालों में सब लोगों को मालूम है कि कौन सच बोलता है, कौन झूठ बोलता है, कौन फरेबी है, कौन धोखे देने वाला है और कौन ईमानदार है, और किसके घर वही है बाप दादा के और किसके पैलेस बन गए, किसके रहने के लिए भी गाड़ी। मैंने आज तक अभी गाड़ी नहीं खरीदी, आपको बताना चाहता हूं। शायद पहले 80 में एमपी खरीदी थी, उसका लोन उतारने में 15 साल लग गए थे, उसके बाद आज तक नहीं खरीदी। लेकिन मैं देखता हूं जो आज सरकार में आए हैं, पैलेस भी बने हैं, घर भी बने हैं, हम लोगों के अभी तक घर भी नहीं बने हैं, रिटायरमेंट के बाद अब घर ढूंढ रहे हैं। तो ये भी सब लोगों को मालूम हुआ
कि हम जहां थे 40 साल 30 साल 50 साल वहीं आज, और जो अभी अभी थे वो अभी कभी कहां पहुंच गए। ये भी लोगों के लिए मेरे ख्याल में देखने के लिए जरूर था। और हम लोगों ने जिसकी तरह मैं तवज्जा देना चाहूं, हमारी पार्टी या हमारे लीडरों, क्योंकि हमारी तालीम ही ऐसी, जिस लीडर को हम मानते हैं महात्मा गांधी, वो सबसे ज्यादा धर्म, अपने धर्म पे भरोसा करते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे सेकुलर भी हुए। क्योंकि नमाज पढ़ने वाले का ये मतलब नहीं है कि वो फिरका परस्त, मंदिर में पूजा करने का ये मतलब नहीं है कि वो फिरका परस्त, मंदिर और पूजा करना, नमाज पढ़ना, ये तो हमारा धर्म है। और कोई भी धर्म, न गीता न कुरान न बाइबल न गुरु ग्रंथ साहब, ये दिखाता है कि दूसरे धर्म से तुम नफरत करो। हर धर्म यही सिखाता कि प्यार करो, प्रेम करो और एक जैसा बर्ताव सबके साथ करो। और इस देश के जो निर्माता थे वो महात्मा गांधी थे। हम महात्मा गांधी को मानने वाले, इसलिए हमारे पास कोई तमीज नहीं है हिंदू और मुसलमान। मेरे घर में खाने वाला बनाने वाला दलित भी है, किसी को बुरा लगे, मेरे पास खाना बनाने वाला राजपूत भी है, मेरे पास खाना बनाने वाला ब्राह्मण भी है, मेरे पास खाना बनाने वाला मुसलमान भी। और मैंने जब से कोई 30 साल से 25 साल से मैंने पूछा नहीं, कभी कभी कोई दोस्त खाने पे आता कोई उनसे पूछता है तब मुझे पता चलता, वरना मैंने कईयों के बारे में तो 20 25 30 साल के बाद पढ़ा, मालूम हुआ कि ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, मुसलमान का तो नाम से पता चलता था, लेकिन मैंने निकाला नहीं, मैंने पूछा नहीं। तो ये हमारा, मेरे सिक्योरिटी वाले मेरे ख्याल में 100% मेरा PSO 18-19 साल से वो हिंदू है, राजपूत है, मेरे ड्राइवर सब हिंदू है। तो कहां, मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई, कभी मैं महफूज हमेशा समझता रहा। तो फिर ये क्यों दराड़े आ गए, फिर ये हिंदू मुसलमान के नाम पे क्यों इलेक्शन हो रहे, क्यों सियासत हो रही है, क्यों ये काम बांटे जा रहे हैं कि सड़क का काम एक को मिलेगा दूसरे को नहीं। हमने मिनिस्ट्रियां की, चीफ मिनिस्ट्रियां की, हमने किसी कोई ऑफिसर ये कह दे कि हमने कहा कि ये ठेका मुसलमान को देना है या कांग्रेस को देना है या बीजेपी को नहीं देना, ये PDP को नहीं देना, कभी भी। मुझे अपनी तकरीरें याद है कश्मीर वैली के अंदर, कश्मीर वैली के अंदर पहली तकरीर मेरी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सोपुर तहसील में हुई थी, और वहां मैंने हिंदू फिरका परस्ती को गालियां नहीं दी, मुस्लिम फिरका परस्ती को गालियां दी। मैंने वहां अपनी तकरीर में कहा कि हर इंसान को स्कूल की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है, सड़क की जरूरत है, पीने के पानी की जरूरत है, और जो इंसान, जो लीडर, जो मेरी काबीना में होगा, मिनिस्टर होगा, अगर वो धर्म की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर, पार्टी बाजी की बुनियाद पे स्कूल देगा, अस्पताल देगा, पानी देगा, नौकरी देगा, तो वो मेरी काबीना में रहने के काबिल नहीं। तो हमारा तो ये उसूल, लेकिन हम देख रहे हैं
कि आज उसूल ही बदल गए, आज सियासत के उसूल बदल गए। ये हमारा हिंदुस्तान जन्नत है, नर्क। जो भी हुक्मरान आता है उसको उस नर्क को और अच्छा नर्क, ये स्वर्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यहां तो कोशिश स्वर्ग को नर्क बनाने की कोशिश की जा रही, यहां तो हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की कोशिश की जा रही, यहां तो फॉरवर्ड को बैकवर्ड से लड़ाने की कोशिश की जा रही, यहां तो एक पार्टी को भूखा रहे और दूसरी पार्टी के पास पैसे रखने की जगह नहीं हो ऐसा माहौल बनाया जाए। ये किस धर्म में लिखा कि एक मोहल्ले में, एक गांव में, एक को के साथ आप इंसाफ करोगे क्योंकि वो एक पार्टी के साथ है, दूसरा आपकी विचारधारा को नहीं मानता है इसलिए कोई काम नहीं मिलेगा, इसको नौकरी नहीं मिलेगी, इसको सड़क का काम नहीं मिलेगा, इसको रोजगार नहीं मिलेगी, इसको डॉक्टर का इलाज नहीं मिलेगा, ये कौन सा हिंदुस्तान? ये हिंदुस्तान का सपना महात्मा गांधी ने नहीं देखा, ये हिंदुस्तान का सपना पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद ने नहीं देखा, ये हमारे जो बुजुर्ग लाखों की तादाद में किसान, हिंदू, मुसलमान, औरतें, मर्द, बुजुर्ग, टीचर, पेपर लिखने वाले, टेलीविजन तब नहीं था, हिंदी और उर्दू के सब अखबार लिखने वाले, ये जेलों में गए, काला पानी में गए, ये इस तरह का हिंदुस्तान देखने के लिए नहीं गए थे कि यहां हम हिंदू और मुसलमान के नाम पे दाल बांटें, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के नाम पे सियासत करें, इंसान और इंसान के बीच में हम दराड़े डालें, रेत की दीवारें खड़ी करें। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं, ये जो सियासत के लिए, अपनी सियासत के लिए एमएलए जीतने के लिए, एमपी जीतने के लिए, बीडीसी डीडीसी जीतने के लिए, कॉरपोरेशन मेंबर और म्युनिसिपैलिटी जीतने के लिए, ये इंसान और इंसान के बीच में रेत की दीवारें खड़ी कर गए हैं। जब अस्पताल में है होते हैं, जब किसी का ऑपरेशन है, तो क्या वो लोग पूछते हैं कि ये किसका है, ये खून किसका है, ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, ये दलित का है या राजपूत का है? क्योंकि जब जान जा रही है तो उसका नहीं पूछेंगे, लेकिन जब कुछ बांटना है तब पूछ के करेंगे। लिहाजा हम सब, मैं आप सब से यही गुजारिश करूंगा, यहां सब धर्म के, सब जातियों के लोग, सब ट्राइब के लोग हैं। मुझे फख्र है कि इस डिस्ट्रिक्ट डोडा में हम हमेशा मिलजुल के रहे, लेकिन इसको भी बांटा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूंसी ये इधर वाला, कॉन्स्टिट्यूंसी उधर रखो इधर वाला। अरे आज तक तो हम सब मिलके जो एक दूसरे को वोट देते, हमने तो कभी यहां धर्म के नाम पर, मैं जब मैं एमएलए उठा तब से भी ज्यादा वोट यही मिले, लेकिन वो मुसलमानों ने थोड़ी दिए, मुसलमानों में जितने दिए उतने ही हिंदुओं ने भी दिए। मैं पार्लियामेंट का लोकसभा का इलेक्शन लड़ा चिराव वैली में, वो हिंदू हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, मुसलमान हो, गुजर हो, नान गुजर हो, पहाड़ का हो, कस्बे का हो, सबने डट के वोट दिए। तो मैं चाहता हूं ऐसा ही पूरा हिंदुस्तान बने जैसा ये हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा है, या हम बुनिया और हमें डिस्ट्रिक्ट डोडा के चिनाब वैली के, उसके तीन हिस्से, मुझे अच्छा तो नहीं लगता था चिनाब वैली को बांटने में, लेकिन लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी दूर दूर, और तरक्की भी नहीं होती थी। उससे ये फायदा हुआ कि बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट बने, हर डिस्ट्रिक्ट पे हर जिले एसपी ऑफिस बने, तहसील एजुकेशन ऑफिसर बने, पीडब्ल्यूडी के ऑफिस बने, इरिगेशन के ऑफिस बने और सोशल वेलफेयर के ऑफिस बने, तो लोगों को डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचना आसान हो गया। वरना एक फख्र था डिस्ट्रिक्ट डोडा के, भाई स्टेट का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बल्कि हिंदुस्तान का रकबे के हिसाब से, आबादी के हिसाब से नंबर वन डिस्ट्रिक्ट था। तो मैं तो चाहता था, इसीलिए चिनाब वैली, मैं हमेशा इनको कहता हूं चिनाब वैली का मतलब है अस्ट्रॉयल अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट डोडा। तो एक अनडिवाइडेड जो हमारी तहजीब है, जो कल्चर है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, वो इस चिनाब वैली में बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। जब भी मैं देखूंगा कि इस चिनाब वैली में
ये भी बट रहा है तो शायद मेरा वो आखिरी दौरा होगा चुनाव मेरी का। मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ हमारे भाई बहने जिनको हमें मालूम भी नहीं आज हम कितनी हमारी हिंदू माएं हैं, हमारे दोस्तों की जिनको हम माँ कहते हैं, बहन कहते हैं, दीदी बोलते हैं, बच्ची बोलते हैं, बेटा बोलते हैं, तो ये ऐसा जन्नत जो ऊपर वाले ने दिया है उसको हम जानबूझ के नरक क्यों बना रहे हैं? भगवान अल्लाह ये तो इतना बड़ा है जिसने चांद सितारे बनाए, जमीन आसमान बनाए, वो तो अगर चाहता तो फिर हिंदू के लिए अलग मुल्क बनाना चाहिए था, मुसलमानों के लिए अलग बनाना चाहिए था, दलित के लिए अलग बनाना चाहिए था, कश्मीरी बोलने वाले गुजर के लिए अलग बनाना चाहिए था। जब इतने खुदा बड़े ने जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है उसने ये फैसला किया हमने इकट्ठे बैठना है, एक ही दरिया का पानी पीना है, एक ही बावली का पानी पीना है, एक ही चश्मे का पानी पीना है, एक ही खेत का ये बना हुआ अनाज पैदा करना है, एक ही घाट से पी सकना क्या है, तो हम कौन होते हैं कि जो अल्लाह के भगवान के जिसकी हम चाहे पूजा करें मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, हम कौन होते हैं बांटने वाले? जब बनाने वाले ने हमको नहीं बांटा तो जो बने हैं उनको कोई हक नहीं है। वो मेरे ख्याल में उस भगवान की और अल्लाह के खिलाफ जा रहे हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। मेरे पास शिकायतें बहुत हैं, जमीन की शिकायतें, खालसा जमीन भी दी, हालांकि कानून बना है पार्लियामेंट के अंदर, जब वो कानून यहां लागू नहीं हुआ तो आज की सरकार कहती थी इसको लागू करो, अब जब ऑटोमेटिकली लागू हुआ तो उनसे छीन ले। पार्लियामेंट में कानून बना है 2006 में जब यूपीए की सरकार थी कि जितने भी पहाड़ में, जंगल में, जंगल में और सरकारी जमीन पे लोग हैं शेड्यूल ट्राइब, वो हिंदू हैं या मुसलमान, गुजर बकरवाल हैं या हमारे हिंदू भाई गद्दी भाइयों, उनको वहां घर बनाने का, उनको खेती करने का पूरा पूरा हक है, ये कानून बना। और जिस वक्त यहां यूटी बनी तो वो कानून ऑटोमेटिकली यहां लागू हो गया, चाहे हमने अलग से बनाया लेकिन यूटी बनने के बाद वो खुद बखुद यहां लागू हो गया। अब पूरे हिंदुस्तान में है, बीजेपी की सरकारों में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, जहां लेकिन जम्मू कश्मीर में होने नहीं देंगे। ये दो दो कानून कैसे हिंदुस्तान? मोदी साहब तो बातें हैं बोलते हैं एक कानून, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए वो क्यों कानून नहीं हिंदुस्तान का लागू होता? ये बहुत अफसोस की बात है। इसके लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, ये इंसाफ की बात। जैसे सुरुड़ी साहब कहते थे ये कि खाली मुस्लिम का भी बात नहीं है, जहां जिसकी आबादी है, जहां हिंदू है वहां उसकी उसको ये जमीन मिली है, जहां मुसलमान है वह मुसलमान है, जहां कश्मीरी है, जो गुजर है, सबको मिली। ये जमीन सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कम अगर है तो जम्मू कश्मीर, रकबा बहुत है लेकिन हमारी 70-80% पहाड़, 80% तो हमारे पहाड़, बाकी जो 20% है उसमें हमारे मकानात हैं, उसमें कस्बे हैं, शहर हैं, गांव हैं, उसमें स्कूल हैं, डिस्पेंसरी हैं, उसमें रेलवे, उसमें सड़कें हैं। कुल हम 5-6% हमारे पास फीसदी जमीन है और वो भी जैसे बाकी हिंदुस्तान के लोगों में आंगन होता है उतनी तो हमारे खेत, उस खेत में कैसे जिंदा रहे? और 80% हमारी जमीन पहाड़ों सरकारी जमीन है, जंगलात है, उसी से तो लेना है। आदमी के लिए जंगलात है, जंगलात के लिए आदमी नहीं है। आदमी को जिंदा रखें उसके लिए जंगलात, लेकिन यहां अजीब बात हो रही है, जंगल के लिए आदमी मर जाए लेकिन जंगल रहना चाहिए,
जैसे बार बार मैं पार्लियामेंट में कहता था बीजेपी को हर बार कि तुम्हें जम्मू कश्मीर के पहाड़ चाहिए, लोग नहीं चाहिए, लेकिन हमें लोग भी चाहिए और पहाड़ भी चाहिए, तो ये दोनों नहीं हो सकते। तो ये तमाम चीजें हम लोगों ने मिलके इकट्ठे होकर, ये किसी तबके की लड़ाई नहीं है, ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, ये किसी फिरके की लड़ाई नहीं है, ये अपने हक की लड़ाई है, जम्मू कश्मीर के लोगों के, उनकी जिंदगी के लिए लड़ाई। यहां पानी नहीं है, शर्म की बात है कि पूरा जम्मू कश्मीर पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। यहां नौकरियां तो सवाल ही नहीं है, रोजगार के कोई जरिए नहीं है। आप शुआ है, पानी है, हाथ उठाओ कि नौ नहीं है, सब उठाओ। अरे कितनी दफा उठाओगे बेचारों के, अब हाथ उठाने की हिम्मत नहीं। घोड़ों पे पानी जा रहा है। यहाँ देखो आंगनवाड़ी लड़कियां रो रही हैं, यहाँ देखिए वो आंगनवाड़ी भी स्कीम हमारी थी आज से 30-35 साल पहले की। हमने ये दूसरी यूपीए में हमने बनाई है दूसरी स्कीम सेहत की, इसकी आशा वर्कर्स की, वो भी सड़कों पे है, डॉक्टर सड़कों पे हैं, मेडिकल ट्रेनिंग जिन्होंने की है कंपाउंडर की वो सड़कों पे हैं, रहबरे खेल वाले वो सड़कों पे हैं। तो एक तो कोई तबका हो नौजवानों का कि जो जिसको रोजगार मिला, किसी को रोजगार नहीं मिला। बेकारी और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और महंगाई आसमान को छू रही है। चूल्हे का गैस देखिए, पेट्रोल देखिए, डीजल देखिए, केरोसिन ऑयल देखिए, दालें देखिए, टमाटर देखिए, सब्जियां देखिए, गोश्त देखिए, वो 400-500 तक हो गया, 600 तक हो गया, 300 रुपए से कोई चीज नहीं। मैं सोचता हूं कि जम्मू कश्मीर वाले लोग आज से 4-5 साल पहले तक जैसे थे उससे 30 साल पहले पीछे चले गए, और खास तौर से जो पहाड़ी इलाके हैं जहां उनको जमीन नहीं है बल्कि नौकरी पर पेशा है या सड़क पे काम करते हैं, ये तमाम चीजें न होने की वजह से बेकारी बढ़ गई है। हम अपनी ये जद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक स्टेट नहीं बनेगी और जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। जब तक इलेक्शन के बाद ये स्टेटहुड हमको पूरी नहीं मिलेगी तब तक हम अपना हक मांगने के लिए अपनी जद्दोजहद, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपनी जद्दोजहद कायम रखेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आप सबको और खास तौर से सुरुड़ी साहब को और इनके सभी साथियों को जिन्होंने बहुत ही लगन से मेहनत से ये आज की आप चुनाव टाइम्स पर लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, द चुनाव टाइम्स को फॉलो करें। इस वक्त जो है आजाद साहब की स्पीच खत्म हो गई है, यहाँ पर लोगों का हजूम आपको दिखाएंगे, देखिए कितने लोग इस वक्त हैं, हजारों की तादाद में जो है लोग यहाँ पर हैं।